डंकी मरोदा स्थित शासकीय शाला में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। प्रवेशोत्सव में रिसाली नगर निगम महापौर शशि सिन्हा व सभापति केशव बंछोर शामिल हुए। बीते दो साल से कोविड रूपी ग्रहण के हटने के बाद अब जीवन सामान्य हो चला है और स्कूल भी गुलजार नजर आने लगे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने शालाओं में प्रवेशोत्सव भी लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में टंकी मरोदा स्थित शासकीय शालाओं के संयुक्त तत्वावधान में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। यहाँ रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा व सभापति केशव बंछोर विशेष रूप से शामिल हुए। विधिवत दीप प्रज्वलित कर शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। गौरतलब है कि टंकी मरोदा स्थित शासकीय शाला प्रारंभ होने पर स्वागत समारोह का आयोजन भव्यता से किया गया। लंबे समय बाद स्कूल खुलने से शाला पहुंचे बच्चों में गजब का उत्साह भी साफ नजर आया। बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत सम्मान जहां किया गया, वहीं अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। शाला प्रवेश उत्सव को लेकर प्राचार्य व बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी है। बेटा, स्कूल फिर से खुल गया है, किस प्रकार का उत्साह, क्या कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ नए नए छात्रों का प्रवेश उत्सव हो रहा है और बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे अतिथिगण आए हैं, बहुत सारे पार्षद भी आए हुए हैं और यहाँ पे जो छात्र अभी पढ़ते थे जिन्होंने प्रथम स्थान पाया उन्होंने बहुत सारे इनाम भी दिए गए हैं। आज जो है संयुक्त रूप से प्राथमिक क्रमांक 1, क्रमांक 2 और माध्यमिक शाला का संयुक्त तत्वाधान में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे महापौर प्रथम नागरिक और सभापति केशव बंछोर जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उनकी सहयोग हमारे पार्षदों द्वारा किया गया और ये कार्य हमारे वार्ड के जितने भी पालक समिति हैं वो भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और सब ने अपना सहभागिता प्रदान किए हैं। बच्चों में उत्साह जो है हमारे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी भी से ही हमारे 80% बच्चे उपस्थित हो चुके हैं और पढ़ाई नियमित रूप से जारी हो चुकी है। शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में पालकगण सहित स्कूल स्टाफ भी शामिल रहे। सभी ने स्कूली छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।